2024 का आप चुनाव आ गया, 10 साल हो गए, तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। रोजगार मिला नहीं, 10,000 को आप रोजगार कहेंगे? 333 रुपए मजदूरी को आप रोजगार कहेंगे? मिनिमम मजदूरी नहीं दी जाती, और शिक्षक को जो समाज का निर्माण करता है, निर्माता हम शिक्षा मित्रों को कम मिल रही है। भाई साहब, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज फोर्स में चले गए, अदर नौकरियों में चले गए, हमारा इवेंट आधार कर दिया। अब बताइए 47 साल की एज में क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे? शिक्षा मित्रों का हाल खराब है। भाई साहब, आपको क्या लगता है इस बार 2024 में क्या होने वाला सहारनपुर में? बस सर देखिए, होने वाला तो कुछ भी हो, हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, जीतेगा कोई भी। हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रोजगारी की। जो बेरोजगार तो कह रहे हैं कि 2-2 करोड़ रोजगार दे दिए, कहाँ दे दिए सर? आप खुद बताइए ना, किसको दिया? रोजगार की बाहर आ गई, मोदी की गारंटी काम कर रही हूँ। मेरे रोजगार का अब तक नहीं पता। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, डाकखाने में थे, पोस्ट ऑफिस में हेड पोस्ट मास्टर, उन्हें 3 साल हो गए एक्सपायर हुए हुए, तो मैंने उनकी जगह अप्लाई किया। मुझे पता कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं, अब तक मेरी जॉब का कुछ नहीं पता। रोजगार की समस्या है जी। विश्वास किस पे कर रहे हैं मोदी जी पे? विश्वास नहीं, फिर किस पे? क्योंकि कांग्रेस आए, और कांग्रेस का जहाँ तक हमें उम्मीद है वो रोजगार के हल करेगी। राहुल गांधी पे विश्वास है जी? राहुल गांधी पे विश्वास है, हमें पूरा पूरा विश्वास है। हमारी पूरी फैमिली का, सबका, स्टार्टिंग से आज तक कांग्रेस पर ही वोट रहा है, तो हम आगे भी कांग्रेस को ही वोट देंगे। आपको क्या लगता है? तो बता रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है, उसी पे वोट पड़ेगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है। मेरे घर में डिग्री रखी, मेरी बहन MSc कर चुकी, कहाँ कुछ भी रोजगार नहीं है, कहाँ है रोजगार? मेरे वाली साहब ने लाखों रुपए खर्च कर दिए पढ़ाई के ऊपर, इनका है हम कुछ नहीं। 100 रुपए लीटर कह रहे हैं, लगातार रोजगार दे रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, रोजगार की बाहर आ गई है। रोजगार में बता रहा, 400 रुपए लिए किसके लिए? फॉर्म भरने के, पुलिस में क्या करा उनका, पी गए झूठो ही कह रही, नगरी पेपर लीक हो गया, कहा लीक हुआ पेपर? झूठो ही पकड़वा रहे लोगों को। बताओ हमने मेरे घर से कम से कम 4 आदमियों ने भरा, कितने हो गए जी? 400 के हिसाब से 1600 रुपए हो गए, गरीब आदमी में कहा 1600, कहा है 1600? का भी मैटर है, कुछ मैटर नहीं है, पेपर लीक कुछ नहीं है, इनकी खुद की सोच क्या हो जाता है क्या? पेपर पेपर लीक हुआ ही नहीं, वो पी गए, तो पैसे पी गए, ये पैसे पी गए। और सहारनपुर का क्या माहौल है? सहारनपुर का माहौल बहुत अच्छा है, जीत रहे हैं इमरान मसूद, भारी मोहम्मद से जीत रहे हैं, भारी निकल रहे, बिल्कुल निकलेंगे जी, बिल्कुल क्लियर क्लियर निकलेंगे इंसान मसूद। माजिद अली कुछ नहीं है, माजिद अली के पास, माजिद अली तो भाई रेस में भी नहीं है, लंगड़े गोल्डे पे धावनी खेलते हम, लंगड़े गोल्डे पे धावनी खेलते। माजिद कौन है जी? माजिद जानो तुम है, जानो जो है अखिलेश जी का भारी है जी। और इमरान मसूद निकल रहे हैं क्या? इमरान मसूद ही निकलेंगे, जो गठबंधन की जो सरकार बनी है ये मजबूती के लिए बनी है, इंशाल्लाह वही जीतेंगे और वही बनेंगे मसूद। हाँ, इमरान मसूद बनेंगे, एक ही नारा है कि इमरान मसूद बनना है और वही बनेंगे इंशाल्लाह। माजिद अली हैं बसपा के कैंडिडेट, उनका क्या हाल है? यार हम सब ने देख लिया है कि योगी जी ने क्या किया है और मोदी जी ने क्या किया है, मतलब इतने साल गुजर गए कि उन्होंने करा क्या है, हम सब जानते हैं। लगा नहीं कुछ बढ़िया काम हुआ, आप खुद ही देखो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने करा क्या है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, के इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, रोजगार कहाँ से कहाँ चला गया की समस्या। हाँ, आपको क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ का? सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का नाशी सरकार में, और कुछ नहीं है बस। हिंदू बात कर दो रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना इस पर ही है, मुस्लिम हो रहा है क्या? हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और कुछ नहीं है। तो अभी सहारनपुर में क्या चाह रहे हैं? अक्सर ना भी करवाओ तो भाजपा जीतते जीतते, ना भी करवाओ, समझ गए? माहौल है क्या? यही माहौल है, ना भी हो तभी भाजपा जीतेगी, ये बटन वाले जब तक जो है भाजपा ही रहेगी। फिर भी आप क्या लग रहा है इधर, क्या माहौल लग रहा सहारनपुर में? फिलहाल तो यही इमरान मसूद इंशाल्लाह होगा। इमरान मसूद, मतलब आपको क्या लगता है, आप युवा और रोजगार की समस्या है या बढ़िया सब चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, रोजगार की समस्या नहीं है, सब बढ़िया है। अच्छा, तो भाई साहब बता रहे रोजगार की बड़ी समस्या हो गया है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मतलब मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका वोट भाजपा में? हमारा वोट राघव लखनपाल शर्मा पे जाएगा। अच्छा, भाजपा में? भाजपा पे जाएगा। सही में? जी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो भाई साहब करे मुसलमानों का सत्यानाश हो रहा है, टोपी बढ़िया लगाया है, वो फूल में है इसलिए बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है, जो फैमिली से मामला चल रहा है इसलिए बोल रहे हैं, वरना इनके दिल के अंदर आज भी जो है ना इमरान मसूद है, आज भी इनके दिल के अंदर, हम सब के दिल के अंदर जो है ना वो, ये तो अखिलेश यादव निकलेगा या इमरान मसूद निकलेगा। अरे एक बात बता रहे, फूल पे वोट जा रहा है, वो बता दो राहुल, उनका फैमिली मैटर है भाई, दिल में क्या इमरान मसूद है, फूल राघव लखनपाल, फैमिली मैटर है यार, राघव लखनपाल
राघव लखनपाल जी, इनसे पूछो क्या कह रहे हैं। पूछ चुका हूँ भाई साहब, आपको क्या लगता है जी बताओ क्या लग रहा है माहौल? हो तो भाई साहब बता रहे कमल के फूल पे जा रहे हैं। मेरा डॉक्टर हिमांशु, बिल्कुल हम तो इमरान मसूद के साथ खड़े हैं। हम तो इसे भेजो पहले भाई को, भाई चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी, ध्यान रखियो सब अपना। ठीक है सब रखेंगे। आप बताओ भाई साहब माहौल क्या लग रहा है इधर? हम तो इमरान मसूद के साथ है जी, कुछ हमें ना माहौल से मतलब ना हमें महंगाई से मतलब, हम तो इमरान मसूद के साथ खड़े हैं। अगर इमरान मसूद बीजेपी में, बीजेपी को वोट दे देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। हमारा तो वोट इमरान मसूद पर है। कैसा नेता बढ़िया लगते हैं क्या यहाँ के काम कराते हैं क्या लोकल पे? तो सब अच्छे नेता हैं, नेता तो इधर काम बढ़िया कराते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं इमरान मसूद। बढ़िया की तो भाई साहब बात ऐसी है कि फोन करके अभी बुलाओ यहीं आ जाएंगे, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। भाई साहब ऐसा ही माहौल है इमरान मसूद का जी? एकदम एक तरफा माहौल इमरान माजिद अली जो बसपा के कैंडिडेट है, 50,000 वोट माजिद अली को। तो यकीन करिए नाम भी तुम्हारे मुझसे सुनने माजिद अली। पोस्टर लगे हम तो देख रहे हैं सहारनपुर में, मैंने तो आज तक माजिद अली की शक्ल भी नहीं देखी है। कैसा वो वोट माजिद अली को? बस इमरान मसूद, सब इमरान मसूद। ये बताइए 10 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट के, तो क्या लगा बढ़िया काम हुआ जो वादे किए थे मोदी जी ने 2014 में पूरे हुए नहीं? मेरी सुनो, इस चीज़ से हमारी कुछ समझ में नहीं आती। वो हमारा तो मतलब इमरान मसूद की राजनीति से कोई मतलब नहीं, यहाँ की राजनीति देख रहे मसूद यहाँ के लिए चुन रहे हैं। तो सभी के साथ हो रहा, हमारे साथ नहीं हो रहा। उम्मीदवार सारी देख सभी के साथ है, तुम्हारी साथ भी हो, तुम क्या खुश हो रहे मन मन में? उम्मीदवार देख रहे हैं हैं, ये भी खुश है। भाई साहब आपको क्या लगता है जी, क्या लग रहा है इधर का माहौल? भाई माहौल तो टक्कर है दोनों की भाई, टक्कर है राघव की, मतलब भाजपा और इंडिया गठबंधन जो है उसकी टक्कर है यहाँ पे। बसपा की टक्कर नहीं है? ना बसपा कहीं नहीं है, बसपा दूर दूर तक लग गई। ना बसपा नहीं। भाई साहब आपका क्या लग रहा है इधर माहौल किसका है? तरफा गठबंधन है बिल्कुल, गठबंधन साफ सुथरी कांग्रेस समाजवाद। इन्होंने तो छोड़ा ही कुछ नहीं, जब इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा तो फिर तो साफ है बिल्कुल कतई। अब जनता इतनी पागल नहीं रही, जनता तो पढ़ी लिखी है, ऐसा थोड़ा ही ना है। वो तो दौर चला गया जो इन्होंने पागल बना लिए। कह रहे कि 10 साल हमने काम किया, बढ़िया काम किया, तीसरी बार 400 सीटें आ रही हमारी। कुछ नहीं किया, बेवकूफ बनाने वाला काम करा है। जनता जान गई, समझ गई, अब सबकी समझ में आ गया कि ये धोखाधड़ी की सरकार है। खाम खा की बात करके जो है ना, इनके कितने मतलब वादे हुए अब तक, क्या कोई सा वादा पूरा? सब तो शुरू में, सबसे शुरू में मोदी जी ने 5-15 लाख रुपए हर एक। मोदी जी के जो वादे थे वो आपको लगता है पूरे नहीं हुए? ये बताइए 10 साल हो गए, तीसरी बार भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या मोदी जी पे? बिल्कुल भरोसा कर लिया पीछे, अब कई भरोसा ही करते रहेंगे ना। किसानों को मिट्टी में मिला दिए और रखा ही कहा, देश बेच लिया जी सारा, और रहा ही क्या यहाँ पर? सहारनपुर में क्या लग रहा है? इमरान मसूद गठबंधन, हिंदू मुस्लिम सब इमरान को वोट दे रहे हैं। डब्बा हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई टोटल ये वोट दे मसूद के साथ, सब टोटल हिंदू सब इमरान मसूद के साथ। इमरान मसूद।